फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है WWE ट्रेनिंग इन हिंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप जर्मन सुप्लेक्स परफॉर्म कर सकते हो। जर्मन सुप्लेक्स परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको बैक बम्प आना जरूरी है। तो बेसिकली बैक बम्प क्या होता है? अगर आप कोई मूव परफॉर्म करें, एग्जाम्पल के लिए पावर बॉम्ब या जर्मन सुप्लेक्स, तो ये मूव परफॉर्म करते टाइम आपकी नेक इंजर्ड हो सकती है। इंजुरीज को अवॉइड करने के लिए बैक बम्प आना जरूरी है। अगर आपको बैक बम्प सीखना है तो कमेंट करके बताएं, हम उस पर पर्सनल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पोजीशन। आपकी पोजीशन ऐसी ही होनी चाहिए जैसे वीडियो में दिखाई जा रही है। आपको सेम वैसे ही हैंड की ग्रिप रखनी पड़ेगी। लोअर पोजीशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते होंगे, जर्मन सुप्लेक्स परफॉर्म करते समय आप दोनों को नीचे जाकर ऊपर की तरफ पुल करना होगा, और जिस रेसलर को जर्मन सुप्लेक्स लगने वाला है उसे पीछे की तरफ बैक बम्प लेना होगा, और जो रेसलर जर्मन सुप्लेक्स देने वाला है उसे जर्मन सुप्लेक्स देते समय वीडियो में जैसे पोजीशन दिखाई जा रही है वैसे ही पोजीशन रखनी होगी। दोस्तों, फिर तीनों पोजीशन मिला के, यानी कि सबसे पहले हैंड ग्रिप, फिर नीचे लोअर बॉडी से ऊपर पुल करना, फिर जो रेसलर जर्मन सुप्लेक्स खाने वाला है उसे बैक बम्प लेना होगा। और दोस्तों, ये तीनों पोजीशन मिला के आप अच्छे से जर्मन सुप्लेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी गद्दी पे छोटी हाइट से ट्राई करिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप एक प्रो रेसलर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस चैनल पर प्रो रेसलिंग के वीडियोज हिंदी में डालते रहते हैं।